Question number 5. P R bracket not P and not Q R P and Q is equal to P R not P and not Q. In ye side humne prove karna hai ki is ye jo column aayega aur ye jo column aayega dono ke values same aati hain. To sabse pehle hum is side ko karenge, jo bracket wale hain ye pehle karenge, is bracket wale ye jo bracket wale process hai ye hai pehle karenge, fir dono ke darmiyan r maloom karenge, fir isse jo aata hai p ke sath uska r maloom karenge. To ye p ho gaya hamara sara, fir ye q, ye not p not q, q ka ulta hai aur not p p ka ulta hai. Fir uske baad not p and not q, ye wala bracket first bracket, ye jo bracket hai ye wali, wo maloom karna hai. In dono ke darmiyan and yani not p aur not q, ye jo dono column hai. To f f hai to f, f t hai to f, kyunki and mein kya hota hai, dono taraf t ho to fir t aayega, warna f t f to f t t to t. To ye wala sirf true ho gaya, baki sare f. Ab next humne kya karna hai, इन दोनों को मिलाना है. ये देखो, चलो जी ये पहले कर लेते हैं. इस तरह भी कर सकते थे कि इसके साथ इसको मिलाएं और फिर ये मिलाएं. अब इसको पहले करते हैं. तो P के साथ ये वाला, ये और P, इन दोनों का क्या मालूम करना है, R. चलो जी अब ये पहला कॉलम पढ़ेंगे और ये वाला कॉलम पढ़ेंगे. तो टी एफ और आर है बीच में, आर का मतलब है एक साइड पे ट्रू हुआ तो ट्रू, टी एफ तो टी, टी एफ तो टी, एफ एफ तो एफ, एफ टी सॉरी एफ और ये वाला कॉलम टी इज टी. तो ये हमारे पास आ गए टी टी एफ टी, ये हमारा हो गया. और यहाँ से यहाँ तक ये मुकम्मल हो गया. अब ये वाला हमें चाहिए, ये पहले मालूम कर ले P एंड Q, P एंड Q. तो ये दोनों पढ़ेंगे, एंड है तो दोनों तरफ T हो तो T, तो T T T, फिर T F तो F, F T तो F, F F तो F, ये भी मालूम हो गया. अब ये वाला जो हमने पहले मालूम किया था ये, और फिर ये वाला जो हमने मालूम किया, इन दोनों के दरमियान क्या है, आर है. ये फिर मालूम हो जाएगा, ठीक हो गया. अब इन दोनों के दरमियान आर है, इन दोनों के दरमियान क्या है, आर. तो टी टी तो टी हो गया, टी एफ तो टी हो गया, क्योंकि आर है दरमियान में, एक साइड पे ट्रू हो और दूसरी तरफ फॉल्स हो तो टी, एफ एफ तो एफ, और दूसरा क्या आएगा, टी एफ तो टी, क्योंकि ये साइड टू है ये फॉल्स है आर में, एक साइड ट्रू हो गया तो ट्रू. अब हमने चेक करना है जो हमें बताया गया था कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, ये साइड तो ये हमारे पास आ गया. ये साइड कहाँ पे है, ये वाला है. तो इसको देखो, अब दोनों के देखे सेम है, टी टी एफ टी, टी टी एफ टी, तो ये दोनों इक्वल हो गए. और इसी तरह ये प्रूव हो गया. थैंक यू.